आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे समाधान पे, अपन ने पढ़ लिया कि समाधान की जरूरत क्यों पड़ी, कलन का कौन सा पार्ट समाकलन का, ये कितने नंबर का आता है, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज है, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इधर देखो, अगर समाकलन में समाकलन के चिन्ह के साथ अगर लिमिट दी गई हो तो ये होता है आपका निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। और समाकलन में अगर लिमिट नहीं हो तो इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। इसमें आपका c नहीं आता और इसमें प्लस का c आता है, प्लस c करते हैं ना अपने समाकलन करने के पश्चात में, प्लस c क्यों करते हैं, किसी को अचराशि के लिए कि कहीं ना अवकलन करते समय कोई अचराशि का अवकलन जीरो हो गया हो तो वापस से जीरो का समाकलन करके क्या है वो अचराशि प्राप्त की जा सके। तो अनिश्चित समाकलन में आपका प्लस का सी हमें लगाना होता है और निश्चित समाकलन में प्लस का सी नहीं आता। निश्चित समाकलन में प्लस का सी आता है लेकिन वो हट जाता है, वो कब पता चलेगा जब आप निश्चित समाकलन के बारे में डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। तो देखो तो इसका मतलब ये हो गया आपका अनिश्चित समाकलन में समाकलन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो गया, तो इसको बोलते हैं समाकल, समाकल जिसका इंग्लिश में नाम होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल। ये होता है आपका स्टाइलिश एक्स यानी समाकलन का चिन्ह, ये आपका समाकल्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेंट, इंटीग्रेंट। और ये क्या होता है आपका स्लाइस यानी अल्फांस, जिसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं समाकलन कर रहे हैं। तो ये आपको फिर से एक बार मैंने सारा बता दिया। अब बात करते हैं समाकलन के गुणधर्मों, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ समाकलन की डेफिनेशन। अभी जो हमने लिखा समाकल्य, समाकल, स्लाइस, स्टाइलिस एस, इसमें समाकलन नाम नहीं है, समाकलन क्या है, जैसे अवकलन प्रक्रिया होती है वैसे समाकलन आपकी प्रक्रिया है, समाकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं समाकलन कहते हैं। तो समाकलन की ये डेफिनेशन हो गई है, समाकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं, या अवकल गुणांक ज्ञात करने की विपरीत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं समाकलन कहते हैं। तो समाकलन का पहला गुणधर्म है कि समाकलन आपके दो फलन हो प्लस में हो, यू वी और डी एक्स इस प्रकार से हो, दो फलन प्लस में हो समाकलन का चिन्ह लगाओ तो समाकलन अलग हो जाएगा, u का समाकलन अलग हो जाएगा प्लस v का समाकलन अलग हो जाएगा, इस प्रकार हो सकता है। दूसरा आपका समाकलन हो अगर आपका u माइनस वी हो और डी एक्स हो, आपका समाकलन ऑफ यू डी एक्स हो जाएगा माइनस समाकलन ऑफ वी डी एक्स हो जाएगा, इनका प्लस का चिन्ह है वो प्लस सी, प्लस सी वो साथ में आएगा। इन दोनों के लिए आप समाकलन जैसे एक समाकलन से हमने दो बना लिया तो प्लस का सी रखना, दो जैसे सी वन सी टू करने की जरूरत नहीं है, और सी वन प्लस सी टू को हम सी मान लेंगे, आपको प्लस का पूरे के लिए प्लस का सी लगाते हैं। जैसे ही आपका समाकलन का चिन्ह लगा तो आप प्लस का सी लगा दो, या समाकलन करने के पश्चात प्लस का सी लगा दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी आप लगा सकते हो। अब दूसरी बात कि हमने u प्लस वी ले लिया, u माइनस वी ले लिया, अब u गुणा वी और u बट्टा वी रह गया, तो समाकलन में u गुणा वी और u बट्टा वी का सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू फलन और कंडीशन के हिसाब से उनको अलग किया जाता है। तो सीधा फॉर्मूला आपका ये दो ही है जो आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं मानक सूत्रों पर, मानक सूत्र समाकलन के मानक सूत्र। तो पहला समाकलन ऑफ जीरो डी एक्स यानी जीरो का समाकलन क्या होगा, तो हमें पहले पता करना होगा कि आपका किसका अवकलन करते हैं तब जीरो आता है, तो किसका अवकलन करते हैं तब जीरो आता है, तो आपको पता होगा अचर राशियों का अवकलन है वो जीरो आता है, अचर राशियों का अवकलन जीरो आ गया तो जीरो का समाकलन क्या आएगा अचर राशि आएगा यानी सी आएगा, ये आ गया। दूसरा अगर यहाँ आपका एक होता एक डी एक्स एक, तो एक का समाकलन करना है तो पहले हमें ये पता करना है कि एक किसका अवकलन करते हैं तब एक आता है,
तो हमें पता, हम पता करेंगे एक तो x का जब अवकलन करते हैं तो x का अवकलन एक होता है, तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ हो गया x। अब x प्लस का c हमें इसमें लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा प्लस का c, क्योंकि जीरो का समाकलन c हो गया। अब इस एक में जीरो कहाँ हुआ, इस एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं समाकलन ऑफ वन प्लस जीरो डी एक्स, इसमें समाकलन ऑफ एक डी एक्स अलग हो गया प्लस समाकलन ऑफ जीरो डी एक्स, इस एक का समाकलन तो एक्स हो गया और जीरो का समाकलन क्या हो गया सी हो गया, इसलिए अपने को सी तो लगाना ही लगाना है। अब चलते हैं आगे, फिर देखो अगर यहाँ एक की जगह दो तीन चार पाँच इस प्रकार से कुछ यानी के आ गया, यानी समाकलन ऑफ आपका के डी एक्स आ गया, तो के आपकी क्या है अचर राशि है। तो जिस प्रकार अवकलन में अचर राशि अंदर बाहर होती रहती है, अवकलन का कोई फर्क नहीं पड़ता चर राशि, वैसे समाकलन समाकलन में आपका अंदर बाहर होता रहेगा, समाकलन का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो के आपका बाहर आ जाएगा। तो के आपका बाहर आ गया, समाकलन ऑफ के बाहर लेते अंदर क्या होता है एक एक डी एक्स, और फिर वही बात के आपका बाहर हो गया, एक का समाकलन क्या होता है एक का समाकलन होता है, तो पता करते हैं किसका अवकलन करते हैं तब एक आता है, तो एक्स का अवकलन करते हैं तब क्या आता है एक आता है, तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा आपका एक्स हो गया। फिर प्लस का सी हमें लगाना ही है, तो ये हो गया आपका। वैसे गुणधर्मों में होता है तो गुणधर्म में नहीं लिखा, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि के है वो आपका अंदर बाहर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक बचेगा, एक का समाकलन क्या होता है एक्स होता है। हम आगे फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। अब आपका चौथा फॉर्मूला है सिर्फ समाकलन ऑफ एक बटा एक्स डी एक्स वन, एक बटा एक्स का हमें क्या करना है समाकलन करना है। तो देखो पहले ये पता करो अपने कि किसका अवकलन करते हैं तब एक बटा एक्स आता है। तो हमने पता किया तो किसका होता है एक एक्स का होता है, एक होता है एक्स की घात एन का हो जाएगा, एन एक्स की घात एन माइनस वन, ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं होता, ई की घात एक्स का होता है ई की घात एक्स, फिर लॉग एक्स रहा, लॉग एक्स का हो गया एक बटा एक्स आ गया लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का होता है एक बटा एक्स, तो एक बटा एक्स का समाकलन करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास लॉग एक्स आएगा, ये आ गया आपका लॉग। अब ये एक्स और प्लस का सी अपने को लिखना ही है। अब ये एक्स ऐसे नहीं आएगा, यहाँ एक्स अपने को क्या करना है मापांक में लेना है। मापांक में क्यों लेना है कि लॉग के अन प्रांत में ऋणात्मक चीजें नहीं आती है, केवल धनात्मक चीजें ही आएगी, यानी धनात्मक संख्याएं आएगी, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। एक्स का मान तो अगर मान लो एक्स का मान ऋणात्मक हुआ तो ये मापांक उसको क्या कर देगा धनात्मक करके यहाँ ले आएगा, इसलिए हमेशा अपने को लॉग को क्या करना है मापांक में लिखना है। फिर से देख लो एक बटा एक्स है तो हम लॉग का अवकलन करते हैं तब एक बटा एक्स आता है, तो एक बटा एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा लॉग एक्स आएगा। ऐसा क्यों होता है क्योंकि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, इसलिए होता है। अब चलो आगे फिर पांचवा, अगर आपका समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स है, समाकलन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स है, तो देखो ई की पावर एक्स का समाकलन करना है, तो पहले हम ये पता करेंगे कि किसका अवकलन करें तब e की पावर x आता है। तो e की पावर x का अवकलन क्या आता है e की पावर x आता है, e की पावर x का अवकलन ही e की पावर x आता है, तो e की पावर x का समाकलन क्या आएगा e की पावर x आएगा, तो ये हो गया आपका e की पावर x प्लस का c। फिर से अब हम करते हैं x की घात n का, x की घात n d x बराबर x की घात n का, तो पहले हम ये पता करेंगे x की घात n का मतलब हो गया x की घात 2 x की घात 4 x की घात 5 x की घात 6 वैसे, तो x की घात n का अवकलन क्या होता है, तो x की घात n का अवकलन होता है d अपॉन डी एक्स, x की घात n का अवकलन हो गया n x की घात n माइनस 1 ऐसे होता है, यानी जो घात है वो आगे आ जाएगी, जो घात है वो आगे आ गई और एक घात क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो अवकलन में घात क्या होती है कम होती है, समाकलन में क्या होगी घात बढ़ेगी क्योंकि विपरीत है, इसलिए तो x की घात n का इसमें हो जाएगा x की घात n प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ क्या है जो घात है वो गुणा में आएगी, तो यहाँ किस में आएगी भाग में आएगी, और भाग में क्या आएगी तो नई घात बढ़ेगी वो n प्लस 1 प्लस का c, और जहाँ आपका x n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, बस ध्यान रखना कि n का मान माइनस 1 नहीं हो,
क्यों नहीं हो, क्योंकि एन का मान माइनस एक होगा तो एक्स की घात माइनस एक, एक्स की घात माइनस एक का मतलब हो गया एक बट एक्स, और एक बट एक्स का क्या होता है लॉग एक्स होता है, इसलिए यहाँ एक्स की घात माइनस वन नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे घात माइनस वन के अलावा चाहे कुछ भी हो, हमारा क्या होगा हमें यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, एक्स की घात माइनस वन नहीं होना चाहिए। अब बाई चांस रेयर केस में हमने क्या किया कि x की घात माइनस एक डी एक्स इसका समाकलन इस रूल से कर दिया। तो ये रूल क्या कहता है, जितनी घात उसमें एक घात जोड़ दो, जो नई घात में उसका भाग दे दो, प्लस का सी, ये हो जाएगा x की घात जीरो। माइनस वन प्लस का वन तो कितना हुआ जीरो, माइनस वन प्लस वन कितना हुआ जीरो, प्लस का सी। तो अब x की घात जीरो मतलब एक एक में जीरो भाग दिया तो कितना आ गया अनंत, प्लस का सी जो संभव नहीं है। तो आप इस प्रकार से चेक कर लेना कहीं आप अनंत प्लस सी आ जाए, इसका मतलब ये हो गया कि हमने कहीं गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया कि x की घात माइनस वन है उसका हम इस प्रकार से समाधान न करके इसी तरह क्या करेंगे लॉग x लिखेंगे। अब चलते हैं आगे, तो अगला फॉर्मूला है आपका समाकलन ऑफ a की घात x dx बराबर। अब एक ही घात x आ गया, एक ही घात x का समाकलन क्या होगा, तो हम पहले ये पता करेंगे कि एक ही घात x का अवकलन क्या होता है। तो एक ही घात x का अवकलन होता है d अपॉन डी एक्स एक ही घात x बराबर होता है एक ही घात x log a, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक ही घात x का अवकलन करना है। तो यहाँ देखो एक ही घात x का अवकलन एक ही घात x आया और गुणा में लॉग a आ गया। अब समाकलन में क्या होगा, समाकलन में एक ही घात x का समाकलन एक ही घात x ही आएगा लेकिन बट्टा में लॉग a आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगी चीज, बट्टा में आ जाएगी, एक ही घात x बट्टा लॉग a आ गया और ये प्लस का हो गया c। उसके पश्चात अपन चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, साइन का भी करते हैं, कोस का भी करते हैं, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, सब का हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं। उसी प्रकार सबका क्या होगा समाकलन भी होगा। तो पहले हम समाकलन करते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स का समाकलन करेंगे। तो पहले हम ये पता करेंगे किसका अवकलन करें तब साइन आता है। तो हमें ये तो पता है कि एक दूसरे के विपरीत होता है, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है। हम करके देख लेते हैं, हमने किया डी अपॉन डी एक्स, हमने साइन एक्स का किया, साइन एक्स बराबर आ गया आपका कोस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स हमने कोस एक्स का किया तो कोस एक्स बराबर आ गया माइनस का साइन एक्स। ये लो, तो हमें किसका करना है उधर वाले में देखो, तो हमें साइन का करना है समाकलन, क्योंकि कोस का तो अवकलन किया तो साइन है, तो साइन का समाकलन, तो साइन का समाकलन कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए अपना कोस आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस साइन का कोस सकता है तो साइन के क्या आएगा इस माइनस को इधर लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका साइन का माइनस का कोस एक्स प्लस का सी। हम साइन एक्स का समाकलन कर रहे हैं, देखो हमने कोस का अवकलन किया तब माइनस का साइन एक्स आया। अब हम केवल साइन का केवल इसका समाकलन करेंगे तो ये माइनस क्या होगा आपका कोस के साथ जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस का साइन एक्स। इस फॉर्मूले में बार बार दिक्कत होगी तो आपको क्या करना है, यही तरीका यूज करना है, साइन एक्स का देख करके देखना है और कोस एक्स का ओवर करके देखना है, दोनों में फिर चिन्ह का डिफरेंस हो। अगर कोस वाले में चिन्ह आता है तो इधर साइन वाले में चिन्ह आ जाएगा, साइन वाले में चिन्ह आता है तो कोस वाले में चिन्ह आ जाएगा। दोनों हुआ आपका फॉर्मूला है समाकलन ऑफ कोस एक्स। अब देखो यहाँ कोस एक्स आ रहा है, हमने साइन एक्स का पकड़ लिया तो क्या आएगा कोस एक्स, कोस एक्स डी एक्स बराबर। तो कोस एक्स का देखो कोस एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, क्यों साइन का अवकलन कोस आता है तो कोस का समाकलन क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस का सी। अब देखो इसके अलावा बाकी जो चार फॉर्म बोले हैं आपके टेन के, कोट के, सेक के और कोसेक के, अभी तो आप आपको क्या करता हूँ सीधे फॉर्मूले लिखा देता हूँ, आप उन्होंने क्या कर लो याद कर लो, लेकिन वो क्या जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी तब वो सिद्ध करने आएंगे, वो फॉर्मूले बढ़ेंगे अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग मेथड में, समाकलन अलग मेथड में ये चालू होंगे। तो हम क्या कर रहा हूँ आपको यही बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, वहाँ जब हम इसको फ्लो करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से क्या हो जाए याद हो जाए। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फलन आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं छः, छः फलनों में दो साइन कोस के समाकलन तो सीधे सीधे हो गए, बाकी जो चार हैं आपके फलन उन चारों के समाकलन करेंगे तो चारों के समाकलन किस में आएंगे लॉग में आएंगे। तो मैं इन चारों को साथ में लिख रहा हूँ, दस
समाकलन ऑफ टेन एक्स डी एक्स बराबर 11, समाकलन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स बराबर 12, समाकलन ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर, समाकलन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स बराबर। तो देखो अभी बताया चारों के किस में आएंगे, लॉग में आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका लॉग मापांक, इसका भी लॉग मापांक, इसका भी लॉग मापांक, इसका भी लॉग मापांक। देखो टेन होता है टेन एक्स, टेन एक्स में होता है साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा क्या होता है कोस होता है, और कोस का अवकलन क्या होता है आपका माइनस साइन होता है, तो क्या होगा उस माइनस की वजह से यहां आगे तो लग जाएगा माइनस और अंदर आ जाएगा आपका कोस एक्स प्लस का सी, यानी टेन एक्स का समाकलन वो होता है माइनस का लॉग कोस एक्स प्लस का सी। अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो अंदर वाले की क्या हो जाएगी घात बढ़ जाएगी, कोस एक्स की घात माइनस एक, यानी एक बटा कोस एक्स जो क्या बनाता है सेक एक्स बनाता है, तो इसको हमेशा भी ले सकते हैं लॉग sec x प्लस का c, तो ज्यादातर हमें काम में ये लेना log sec x प्लस का c, तो tan x का समाकलन log sec x प्लस c आता है या माइनस log cos x प्लस का c आता है। वैसे आप बात करते हैं cot x की, तो cot x होता है आपका cos बटा sin, बट्टा के नीचे क्या sin, sin का अवकलन क्या होता है प्लस, प्लस का cos x, अवकलन में प्लस होता है, तो यहाँ क्या होगा आपका प्लस में रहेगा और बट्टा के नीचे वाला देंगे log sin x प्लस का c, तो ये आपका ऐसा का ऐसा हो जाएगा। फिर sec x और cosec x में अपने को क्या करना है सीधा अवकलन वाला याद रखना है, sec x का अवकलन होता है sec x tan x, धनात्मक होता है धनात्मक वाला चिन्ह क्या करो उनके बीच में फंसा दो, तो ये आ जाएगा आपका sec x प्लस का tan x प्लस का c, sec x का अवकलन होता है sec x tan x, sec x tan x, तो क्या करो तो प्लस आता है sec x tan x, तो ये प्लस क्या करो sec x और tan x के बीच में लगा दो, तो sec x प्लस tan x और log के साथ ये किसके sec x का क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा। फिर cosec x की बात करते हैं तो cosec x का अवकलन होता है माइनस का cosec x cot x, तो वो माइनस क्या करो दोनों के बीच में लगा दो, तो ये हो जाएगा log cosec x माइनस का cot x प्लस का c, तो ये हो गया आपके चारों फॉर्मूले। त्रिकोणमिति है आपके छह फॉर्मूले होते हैं, छह फॉर्मूले में दो हो गया एक तो साइन और एक कोस, साइन कोस तो साइन का और कोस का तो हम अवकलन वाले रूल से सीधे देख लेंगे, तो साइन का तो आ जाएगा माइनस का कोस और कोस का जाएगा आपका साइन एक्स प्लस का सी हमने लगा दिया। उसके अलावा चार त्रिकोणमिति फलन है, चारों त्रिकोणमिति फलन के समाकलन है वो लॉग में आएंगे, टेन एक्स और कोट एक्स में तो हम देखेंगे बट्टा वाला रूल, बट्टा के नीचे कोण है वही लॉग के अंदर आएगा, और सेक एक्स और कोसेक एक्स में हम क्या करेंगे उनका अवकलन करेंगे, तो उनका अवकलन जो आएगा तो चिन्ह सीट आएगा वो चिन्ह दोनों के बीच में लगा देंगे और वो लोग के साथ आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलनों का हमने समाकलन बता दिया। तो वापस से देखो एक बार टेन एक्स का, तो टेन एक्स का कैसे करेंगे, टेन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बट्टा कोस एक्स, तो हम क्या करेंगे लोग को कोस के साथ देंगे लोग कोस एक्स, अब कोस का अवकलन होता है उसमें माइनस आता है तो वो माइनस आपका यहाँ लग जाएगा माइनस प्लस का सी, अब इस माइनस को हम अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा लॉग sec x प्लस का c, तो आपको ऐसे याद रखना है मैं जब पूछूंगा कि tan x का समाकलन क्या होता है तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है कि लॉग sec x प्लस c होता है। दूसरा आपका इसमें cot x की बात रहे तो cot x dx बराबर, तो cot x में देखो होता है cos x बट्टा sin x, तो यहाँ sin x है तो ये हो जाएगा आपका log sin x प्लस का सी, अब साइन का अवकलन प्लस में होता है प्लस का कोस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर इस प्रकार से क्यों ले रहे हैं इनको, कि जब हम आगे बढ़ेंगे आपके एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तब आपको पता चल जाएगा मैंने नीचे वाला क्यों लिया है। फिर अगला आपका जिसमें sec x है तो sec x dx, तो sec x dx sec x का समाकलन होता है sec x tan x प्लस का होता है, तो ये प्लस हमने क्या किया इसके बीच में लगा दिया, तो यहाँ आ जाएगा आपका log sec x प्लस का tan x प्लस का c। फिर अगला आपका तेरा समाकलन ऑफ cosec x dx बराबर, तो cosec x का समाकलन होता है माइनस का cosec x
कॉट एक्स, तो ये माइनस क्या होगा इनके बीच में लग जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे लॉग कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का, ये आ जाएगा। तो जब हम प्रतिस्थापन वाली विधि यानी समाकलन की एक विधि है समाकलन करने की, पहली विधि है मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम पढ़ेंगे तब आपके ये तीनों फॉर्मूले हैं ये सिद्ध किए हुए हैं। तो क्वेश्चन में आपका ऐसा डायरेक्ट सिद्ध करना भी आ सकता है कि इसको इसके बराबर क्या करो, सिद्ध करो, तो उस समय आपको तरीका बता देंगे किस प्रकार से आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो त्रिकोणमिति छह फलनों के अलावा भी त्रिकोणमिति में बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हमें समाकलन करना है। अगर हमें ऐसे कहते समाकलन ऑफ sec x tan f dx, देखिए इसका समाकलन करो, तो पहले हम ये पता करेंगे कि sec x और tan x किसका अवकलन करते हैं तब आता है। तो देखो हमने साइन का अवकलन किया तो cos आया, cos का किया तो माइनस साइन आया, tan का होता है sec स्क्वायर, cot का होता है माइनस का cosec स्क्वायर, फिर sec का होता है sec x tan x, तो देखो sec x tan x आ गया, यानी sec x tan x sec का अवकलन करते हैं तब आता है। तो sec x tan x का समाकलन करेंगे तब क्या आएगा आपका sec x आ जाएगा, तो ये आ गया आपका sec x प्लस का c। फिर दूसरा समाकलन ऑफ cosec x cot x dx, यहाँ आपका cosec x है cot x है, तो ये किसका करेंगे तब आता है अवकलन। तो हमने साइन का किया तो cos x आएगा, cos का किया माइनस साइन x आएगा, tan का आता है sec स्क्वायर, cot का आता है माइनस cosec स्क्वायर, sec का आता है sec x tan x, cot sec का आता है माइनस cosec x cot x, तो माइनस cosec x cot x आता है, हमारे पास cosec x cot x है तो माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे माइनस यहाँ लगा देंगे, तो माइनस का cosec x प्लस का सी आ जाएगा समाकलन। फिर अगला आपका सोलह जिसमें दिया हुआ समाकलन ऑफ हमें दे दे sec स्क्वायर x dx का समाकलन करो, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर x का समाकलन होता क्या है। तो यहाँ sec स्क्वायर x, तो पहले हम ये पता करेंगे कि किसका अवकलन करें तब sec स्क्वायर आता है, तो हमने साइन का किया तो cos आया, cos का किया माइनस साइन आया, tan का आता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर tan का कर रहे हैं तब sec स्क्वायर का समाकलन करेंगे तब क्या आ जाएगा आपका tan x आ जाएगा, tan x प्लस का c हो गया। फिर अगला cosec स्क्वायर x का करेंगे तो cosec स्क्वायर dx बराबर, तो tan का होता है sec स्क्वायर, cot का होता है माइनस का cosec स्क्वायर, तो माइनस नहीं है तो माइनस तो यहाँ आ जाएगा और cot x आ जाएगा, cot x प्लस c की y, cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर, तो माइनस यहाँ नहीं तो माइनस यहाँ लगा दिया, तो cosec स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा माइनस का cot x। तो देखो स्क्वायर में दो है आपके sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x, जिनका डायरेक्ट समाकलन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी स्क्वायर आपके चार बच के, पहला साइन स्क्वायर, दूसरा cos स्क्वायर, तीसरा tan स्क्वायर, चौथा cot स्क्वायर, तो इनका समाकलन किस प्रकार से होगा, ये समाकलन के डायरेक्ट में कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, इनको क्या करता है समाकलन, हमें इनको समाकलन हमें करना पड़ेगा, इनका समाकलन हम करेंगे, कैसे करेंगे ये हमारे लिए क्वेश्चन ही है, फॉर्मूले नहीं है क्वेश्चन ही है, जिनका समाकलन करने का तरीका हमें आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ये दो तो बता ही दिया आपको, फिर से मैं आपको ये छः के छः इनके स्क्वायर बताऊंगा जिनके समाकलन किस प्रकार से होंगे, तो हम उसको क्वेश्चन मान के ही हम समाकलन करेंगे। स्क्वायर में समाकलन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो sec स्क्वायर का, एक cosec स्क्वायर का, आपके बाकी चारों के जो स्क्वायर है वो क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो उससे पहले हम आपको एक नोट लगा हुई चीज बताते हैं, नोट 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 में पहला प्रांत के अक्ष, प्रांत के x के गुणांक अचर हो और उसको समाकलन चिन्ह से बाहर नहीं कर सके तो समाकलन के पश्चात उस राशि का भाग दिया जाता, यानी जो राशि आई है अपने पास अचर राशि उसका क्या करते हैं भाग देते हैं। इसको समझते हैं, पहले समाकलन अब आपको ऐसे दिया हुआ है 2x dx बराबर, अब इसमें जो 2 है
इस दो को हम समाकल चिन्ह के बाहर ला सकते हैं, तो समाकलन ऑफ एक्स डी एक्स, तो आपका दो ऐसे रह गया, एक्स का समाकलन देखो एक्स की घात एक है तो घात बढ़ जाएगी एक प्लस एक, नहीं घात बढ़ी इसका क्या लग गया भाग के प्लस का सी, यानी दो गुणा एक्स स्क्वायर बटा दो, दो से दो कट गया प्लस का सी। इस दो का कोई रोल नहीं है, इसमें इस दो का कोई रोल नहीं है, लेकिन मान लो अगर ऐसे होता समाकलन ऑफ आपका साइन टू एक्स डी एक्स, तो अब ये दो है इसको अलग नहीं कर सकते, तब इसको कैसे करेंगे, तो देखो साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस टू एक्स लेना हो गया, फिर जो दो है उसका क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, तो इस दो की बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है वो इस दो की बात हो रही है, इसमें अगर कोई भी राशि है उसका हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, प्लस का किया जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। दूसरी इसमें नोट वाली बात यह है कि एक्स प्रांत में केवल एक्स की घात, प्रांत में केवल एक्स की घात एक हो, यानी घात एक हो तब ये सारे फॉर्मूले लगाने हैं। अगर मान लो मैं यहाँ क्या कर दूँ एक्स स्क्वायर कर दूँ प्रांत में, जिसमें ऐसे में तो करो तो कोई दिक्कत बात नहीं है तो अलग ही है, लेकिन जिनमें प्रांत के रूल हो उसमें अगर एक्स स्क्वायर कर दूँ तो इसका सीधा समाकलन नहीं होता, पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को सिंगल घात में बदलना पड़ेगा, उसके पश्चात ही समाकलन होगा, तो ऐसी स्थिति में कोई समाकलन नहीं होगा, केवल सिंगल घात होगी तो ही समाकलन होगा, अन्यथा समाकलन करने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा सिंगल घात में बदलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।